मैं बिहार की धरती पर माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम प्रकाश बिरला जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है और शायद इसलिए बिहार के आम नागरिकों के बीच राजनीतिक समझ और चर्चा का स्तर कुछ और ही है। बिहार की जागरूक जनता सक्रिय और प्रगतिशील है। गली कुचे मोहल्ले में लोगों के बीच आम वार्ता में भी उत्साह है और परिपक्वता है। इस राजनीतिक संस्कृति का श्रेय बहुत हद तक हमारे ऐतिहासिक संस्थानों को जाता है। आज के समारोह में मैं सबसे पहले बिहार की जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे संस्थानों में भरोसा बनाए रखा, बढ़ चढ़कर के राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लिया और जवाबदेही मांगी है। आज के दौर में यह भी कहना पड़ेगा कि जनता ने संस्थानों में जितना विश्वास दिखाया है, हमारे संस्थान बहुत हद तक लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, अनुत्तरदायी होते जा रहे हैं, खास तौर से उनके लिए जो समाज में लोग हाशिए पर हैं। इस फासले को कम करना राजनीतिक नेतृत्व की प्राथमिकता और जिम्मेवारी है। 5 साल में वोट देन लेन से पड़े हमें सोचना होगा कि कैसे सार्वजनिक और राजनीतिक रूप से संस्थाओं में एक खुलेपन और संस्कृति स्थापित की जाए। लोकतंत्र और इसके मूल्य हमारी भाषा और भाव में भी झलकना चाहिए। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज चुनाव के दौरान कितनी नफरत और घृणा परोसी जाती है और इसका समाज में कितना गहरा और बुरा प्रभाव पड़ता है। आज यह बात भी आम सरोकार है कि राजनीतिक संस्थाओं या तो कमजोर की जा रही हैं, नियम विनियम मानदंड मर्यादा के तकाजों को ताक पर रख उनकी बाहें मड़ोरी जा रही है, यह जनतंत्र के लिए खतरनाक है। जनतंत्र में संतुलन होना जरूरी है। विधानमंडल में जनता की शक्ति, जनता की मर्जी, जनता की अभिलाषा बसती है। यह राजनीतिक संरचना में सर्वोपरि है। इसके बिना प्रशासन चलाया जा सकता है पर वह जनतांत्रिक नहीं होगा। राज्यों की अपनी पहचान रही है, स्वतः रही है, अपनी प्राथमिकताएं रही हैं। केंद्र और राज्यों में तेजी से बदलते रिश्ते पर भी आज गंभीर सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमने गंभीरतापूर्वक अभी विचार नहीं किया तो इसके परिणाम दुर्गामी होंगे और संवैधानिक ढांचे को चोट पहुंचाए जाएंगे। आखिर में मैं फिर से बिहार की जनता को इस ऐतिहासिक अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी विधान मंडल के साथियों को भी मेरी शुभकामनाएं हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम एक साथ इस संस्था और मजबूत, खुला और संवेदनशील बनाने के अग्रसर रहेंगे। समतावादी सरोकार, सामाजिक न्याय, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता के आलोक में आइए हम सब मिलकर इस राज्य और देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने का साझा संकल्प लें। हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय बिहार विधानसभा अभिनंदन कर रहे हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, माननीय नेता विरोधी दल। पुनः आपसे अनुरोध है माननीय उपाध्यक्ष महोदय की मंचासीन श्री विजय कुमार। हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय बिहार विधानसभा अभिनंदन कर रहे हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, माननीय नेता विरोधी दल। पुनः आपसे अनुरोध है माननीय उपाध्यक्ष महोदय की मंचासीन श्री विजय कुमार। विपक्ष बिहार विधानसभा का भी अभिनंदन स्मृति चिन्ह देकर करने की कृपा करिया।
बहुत बहुत।